अच्छा लगता कौन सा था, 1 घंटा 19 मिनट का जो कि नहीं होगा। क्या हो गया? टाइम नहीं दिखा रहा, आपको नहीं दिखा रहा। यूट्यूब को कहाँ ऐसे डाला है, मैं गूगल मीट पे करती हूँ। 250 बच्चे तो गूगल मीट पे भी हो ही सकते हैं। करके देखा ना, हेलो हेलो। यस यस अभिषेक, हैं ये लेक्चर कौन दे रहे हैं मैम? ये लेक्चर मैं ले रही हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से, आशा मैडम। ओके मैम, आपका नेम ना आपका डिस्प्ले नहीं नेम हो रहा था डिस्प्ले इसलिए नहीं हो रहा पूछा। इसलिए पूछा। नेम और पीपीटी चलेगी तो डिस्प्ले होगा। ओके पहले हो रहा था, प्रेजेंट नाउ कर दूं पीपीटी। अभी नहीं चल रहा? नहीं अच्छा, ला के देखना। देखो पीपीटी करती हूँ मैं प्रेजेंट फिर। ऐसा करती हूँ मैं पीपीटी चलाऊँ, तब गूगल मीट वाले बच्चों को तो कम से कम दिख जाएगी पीपीटी। 2 मिनट व्हाट्सएप दिख जाएगा बच्चों को, क्या हो जाएगा? अरे उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पहले चले तो सही। स्क्रीन विजिबल हो रही है तो मुझे प्रेजेंट नाउ करने की भी जरूरत नहीं है, पीपीटी खोल लूँ डायरेक्टली। फिर भी प्रेजेंट नाउ पे स्क्रीन करके ज़्यादा ठीक है ना? मैम वो हेजिटेट पीपीटी उठा रहा है, वो स्क्रीन शेयर, ये स्क्रीन शेयर हो रही है अभी तो पीपीटी ऑन कर लेती हूँ बस। गूगल मीट वाले बच्चों को भी दिख रही है? गूगल मीट वाले बच्चों को थोड़ा दिखाई देगी? गूगल मीट वाले बच्चों को इनको दिखेगा, गूगल मीट पे प्रेजेंट कर दो, करना नहीं पड़ेगा। अलग से विंडो भी नहीं दिखा रहा है वो। वहां से कैमरा भी तो करना पड़ेगा ना ऑफ, मतलब ऑन करना पड़ेगा। कैमरा तो इतना जरूरी नहीं, पर माइक तो करना ही पड़ेगा। ये भी करो, दिखेगी ना आपका आइकन, आइकन जाएगा यहाँ से। आ जाओ जो कितने स्टूडेंट्स हो चुके हैं, 20 स्टूडेंट्स। पर ऑटो एडमिट भी नहीं होगा तो स्क्रीन तो चेंज करनी पड़ेगी।
यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई एम आशा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर सीएससी डिपार्टमेंट, एंड आई एम हेयर टू प्रेजेंट माय प्रेजेंटेशन ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? सबसे पहले नाम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें मेनली तो कंप्यूटर्स का यूज़ होता है सबसे पहले तो, लेकिन कंप्यूटर्स के अलावा और भी इसमें डिवाइसेस यूज होते हैं. सो इट इज़ यूज ऑफ एनी कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड अदर फिजिकल डिवाइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस टू क्रिएट, प्रोसेस, स्टोर, सिक्योर एंड एक्सचेंज ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा. सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो हमारा है, सॉफ्ट कॉपी में जो भी हमारा डाटा है, उसको हमने क्रिएट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए एंड उसको सिक्योर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हम जब कंप्यूटर्स का, स्टोरेज डिवाइसेस का, नेटवर्किंग का या दूसरे फिजिकल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Yes. Yes. Who is this? अपना माइक ऑफ करो बच्चों. Yes, students. अपना माइक ऑफ करो. समृद्धि वर्मा. Now there are various benefits of information technology. अभी benefits आज हर field में हैं, ठीक है? चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, जॉब ट्रेनिंग हो, बिजनेस हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने का मेथड हो, दे आर यूज़ ऑफ आईटी इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन मेन फील्ड्स हैं, हम उनके अंदर देख लेते हैं कि आईटी का जो इम्पैक्ट है वो क्या है, आईटी का रोल क्या है. सो एजुकेशन के फील्ड में जैसा हम लोग देख सकते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड मॉनिटरिंग, कंप्यूटर एडिड लर्निंग, ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एजुकेशन के केस में अब ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन के लिए आपको फिजिकली एक ऑफलाइन प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है. डिस्टेंस लर्निंग के हेल्प से भी आप एजुकेशन ले सकते हो. डिस्टेंस लर्निंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. आपका टाइम बचता है, ठीक है, आप अपना कंफर्टेबल मोड में किसी भी कहीं पर भी आप बैठकर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो. और आजकल जैसे COVID-19 का लॉकडाउन का टाइम था, तो एजुकेशन चाहे स्कूल्स हों चाहे कॉलेजेस हों, सभी जगह ही एजुकेशन या क्लासेस पॉसिबल हो पाई हैं बिकॉज ऑफ आईटी. सो इससे पहले भी हालांकि डिस्टेंस लर्निंग कई ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड की कर रही थी, लेकिन आजकल तो हर गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, सभी जगह पे डिस्टेंस लर्निंग हो रही है और इट्स बिकॉज ऑफ आईटी जो ये पॉसिबल हो रही है. सेकंड इज ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड मॉनिटरिंग. सो इन टुडे सिनेरियो एग्जामिनेशंस आर इवन कंडक्टेड ऑनलाइन, ठीक है, उनकी मॉनिटरिंग भी इवन ऑनलाइन हो रही है. तो दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ आई टी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही ऐसा हो पा रहा है. नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर एडिड लर्निंग. सो वैन लर्निंग इज मेड विद द यूज ऑफ कंप्यूटर, सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. जब कंप्यूटर पे आप कुछ लर्न करते हो वीडियोज़ देख के या ऑडियो सुन के, तो वो रिटेंशन पावर जो होती है वो ज़्यादा रहती है. सो कंप्यूटर एडिड लर्निंग जो है, इसने लर्निंग को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया है, ईजी बना दिया है, ठीक है, और इससे रिटेंशन जो है वो भी माइंड में ज़्यादा रहती है, जो भी फैक्ट्स हम लोग स्टडी करते हैं. सो नेक्स्ट है हेल्थ केयर. हेल्थ केयर के फील्ड में भी आईटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. बेटर कोऑर्डिनेशन, इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी, सेव्स टाइम, इम्प्रूव डाटा स्टोरेज. तो डॉक्टर्स का कोऑर्डिनेशन आपस में जो होना चाहिए वो बेटर कोऑर्डिनेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ आईटी. अलग अलग जगह पे बैठे हुए डॉक्टर्स भी इवन आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव हुई है, ठीक है, टाइम सेव होता है एंड इम्प्रूव डाटा स्टोरेज. जो डाटा को मेंटेन करना होता है हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो डॉक्टर्स को जो डाटा मेंटेन करना है वो भी, इवन डाटा की स्टोरेज भी इम्प्रूव हुई है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट इज जॉब ट्रेनिंग. जॉब ट्रेनिंग के फील्ड में अगर देखा जाए तो बच्चों को या मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी उसमें भी आईटी का यूज़ होने से बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं. जो ट्रेनिंग रिसोर्सेज हैं वो बहुत सारे मैक्सिमाइज हो गए हैं, ठीक है. ईज़ ऑफ यूज़
टेक्नोलॉजी ऑफर्स इज ऑफ यूज इजीली. आप ट्रेनिंग कहीं पे बैठ के भी ट्रेनिंग ले सकते हो, जॉब ट्रेनिंग ली जा सकती है. रिटेंशन इंक्रीज होती है, ठीक है. जैसे आपको कहा था कि माइंड में जो फैक्ट्स हैं वो ज़्यादा टाइम तक रिटेंशन रहता है उनका. एंड द एबिलिटी टू रीएनफोर्स लर्निंग, लर्निंग रीएनफोर्समेंटली हो रही है. नेक्स्ट एम्प्लॉई ट्रेनिंग कन्वीनियंस, एम्प्लॉई को ट्रेन करना कन्वीनियंट हो रहा है इसकी हेल्प से. एंड रिड्यूस्ड इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी पर भी हालांकि कोई भी इम्पैक्ट इस चीज़ का नहीं पड़ता है. तो इन तीन फील्ड्स के अलावा और भी फील्ड्स, जैसे कहे थे मैंने बिजनेस के केस में भी, बिजनेस जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग्स हो रही हैं, ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो पाया है, इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हुई हैं बिकॉज ऑफ आईटी, ठीक है. एंड गवर्नमेंट की स्कीम से देख लो कि गवर्नमेंट ने अपने हर काम के लिए अपने अलग अलग पोर्टल बना लिए हैं जिसमें कि सारा डाटा जो है वो पब्लिक से ऑनलाइन लिया जाता है. एंड वो स्कीम्स जो हैं वो सब स्कीम का बेनिफिट भी लोग ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही ले पा रहे हैं. तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आईटी इन एवरी फील्ड. सो आईटी का जो बेसिक जो चीज़ हमें यूज़ करनी होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट इज़ कंप्यूटर. सो हम सबको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कंप्यूटर. एज़ यू ऑल जो ये स्टूडेंट्स हैं सारे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो उनमें से बहुतों ने पहले कंप्यूटर के बारे में पढ़ा भी होगा, कईयों ने नहीं पढ़ा होगा. तो उन सभी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ कंप्यूटर. सो कंप्यूटर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर. कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है. तो ये एक ऐसी मशीन है, ठीक है, जो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है, जो पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए एंड रिसर्च के लिए. तो ये अब हमारा क्या है, एक ऐसा प्रोसेसिंग, एक कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, ठीक है. और यहाँ पर ही हम ये डाटा इनपुट डाटा लेता भी है यूज़र से, उस डाटा को प्रोसेस करता है, एंड प्रोसेस करने के बाद जो उसकी आउटपुट होती है वो डाटा को प्रोवाइड करता है. सो ये इनपुट यूज़र से लेगा, प्रोसेस करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा काम जो भी काम करना है इसको, एंड उसके बाद ये आउटपुट प्रोवाइड करता है. एंड फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को. चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर में हम जो ज़्यादातर काम करते हैं वो प्रोग्राम्स के थ्रू करते हैं. सो कंप्यूटर में कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं ना. व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम? कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस written in particular computer language to perform a specific task by the computer system. So computer program और कुछ नहीं है, कुछ instructions होती हैं, उनका set होता है computer program. और ये instructions जो होती हैं ये particular किसी program computer language में लिखी जाती हैं. अलग अलग programming languages हमारे पास हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि low level language, high level language, इस तरह से हमारे पास लैंग्वेजेस हैं जिनमें कि प्रोग्राम बनाए जाते हैं. जैसे कॉमनली यूज जो हम प्रोग्राम्स की बात करें, जैसे पहले सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिन पे कि प्रोग्राम बनाए जाते हैं. और ये आपको अपने ड्यूरिंग इंजीनियरिंग जो कोर्स है आपका 4 साल का, इसमें भी ये करवाए जाएंगे. और लेटेस्ट अभी पाइथन या और भी अब कई सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं जो कि साथ के साथ आपको सिखाई जाएगी. नेक्स्ट, अब इसके बाद हमारे पास है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर दिखने में तो हमें लगता है ऊपर से कि एक बेसिकली जो इसके स्ट्रक्चर है कंप्यूटर के, वो है क्या क्या. सबसे पहले इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, और इनपुट एंड आउटपुट यूनिट के बीच में हमारे पास होता है सीपीयू. सो सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास इनपुट है, आउटपुट है, एंड ये ALU CU मतलब कंट्रोल यूनिट, जिसको कि CU कहा जाता है, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड मेमोरी यूनिट. इसमें कैशे मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर होगी. तो ये कुछ रजिस्टर्स होते हैं, और इसके अलावा एक्सटर्नल मेमोरी भी हमारे पास अवेलेबल होती है, ठीक है. तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में हमारे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू. सीपीयू इंक्लूड्स कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड सम मेमोरी यूनिट लाइक रजिस्टर्स एंड कैशे मेमोरी. एंड इन एडिशन टू दैट एक्स्ट्रा मेमोरी यूनिट भी हमारे पास होती है, जो कि अलग से हम लोग यूज़ करते हैं, रैम, रोम एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. उनके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में करेंगे. सो नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस. अब इससे पहले एक चीज़ और, कि जो कंप्यूटर होता है आपके पास, इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे हार्डवेयर के बारे में. तो सबसे पहले तो हार्डवेयर होता क्या है. हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स विच आर टेंजिबल, विच कैन बी टच्ड, जिनको कि हम टच करके देख सकते हैं, तो वो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं. सो हार्डवेयर कंपोनेंट्स में जैसे हमें सबसे पहले करेंगे हम इनपुट डिवाइसेस. सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं. इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. तो कॉमनली यूज जो इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे पिक्चर्स में भी दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से हैं, माउस, कीबोर्ड. जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास
ट्रैकर बोल्स, टच पैड्स, लाइट पेंस, जॉयस्टिक्स, ऐसे कई सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, तो हर एक का अपना अपना यूज़ है। माउस की हेल्प से हम लोग कर्सर को मूव कर सकते हैं, ठीक है, फोल्डर्स को इधर से उधर मूव करवा सकते हैं, डिवाइसेस जो भी हमारे पास फोल्डर्स होंगे, फाइल्स होंगी। एंड कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कीज़ होती हैं इसमें, इन कीज़ के थ्रू हम डाटा को इनपुट करते हैं। स्कैनर्स ये जैसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम लोग कोई भी हार्ड कॉपी है या कोई प्रिंटेड मटेरियल है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको किसी कंप्यूटर यूजेबल फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैकर बोल्स, जैसे ये हमारे पास ट्रैकर बोल यहाँ पे है, तो ये माउस जो ट्रेडिशनल माउस है उसके एज ए अल्टरनेट यूज़ होता है और ग्राफिक डिज़ाइनर्स इसको जनरली यूज़ करते हैं। टच पैड्स जैसे कि लैपटॉप में भी होता है आपके पास, ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग प्रेशर अप्लाई करके और एंड जो भी हमें काम करवाना है हम इधर कर्सर के लिए भी इवन इसको यूज़ करते हैं, कर्सर मूवमेंट के लिए भी। नेक्स्ट है जैसे लाइट पेन हमारा स्क्रीन पे किसी एरिया को पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है। जॉयस्टिक्स मोस्टली गेम्स में यूज़ होती हैं, वीडियो गेम्स को प्ले करने के लिए जॉयस्टिक्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में ये सब डिवाइसेस थे जो कि इनपुट प्रोवाइड करने के काम आते हैं कंप्यूटर को। आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस जो कंप्यूटर जनरेटेड आउटपुट को यूज़र तक पहुंचाता है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस भी बहुत सारे हैं हमारे पास, जो कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ मोनिटर, जो कंप्यूटर स्क्रीन है जिससे कि हम इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में रिसीव कर सकते हैं, दैट इज़ मोनिटर, जैसे कि यहाँ पे है मोनिटर। देन पर प्रिंटर्स हमारे पास जो हार्ड जो प्रिंटेड मटेरियल है, जो अगर हम कुछ भी सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में है, कंप्यूटर का जो डाटा है अगर प्रिंटेड फॉर्मेट में हमें चाहिए तो हम प्रिंटर्स की हेल्प से उस डाटा को ले सकते हैं। देन प्लॉटर्स जो होते हैं प्रिंटर्स से बहुत ज़्यादा, प्रिंटर्स जो है कुछ छोटे पेजेस जैसे A4 लीगल साइज पेजेस के ऊपर प्रिंट लेने के काम आते हैं। प्लॉटर्स जो बड़े बड़े ग्राफ्स होते हैं, बड़े बड़े मैप्स अगर हमें प्रिंट करने, तो उसके लिए प्लॉटर्स का यूज़ किया जाता है। स्पीकर्स एजुकेशन, आवाज़ नहीं आ रही, माइक तो ऑन है यहाँ से, हाँ तो रिया भाई अपना नेटवर्क चेक करो बच्चे, यहाँ पे मतलब माइक ऑन है। नेक्स्ट इज स्पीकर्स, तो स्पीकर्स भी जो साउंड है इन जब हमें आउटपुट साउंड के फॉर्म में चाहिए देन हम स्पीकर्स को यूज़ करते हैं एज आउटपुट डिवाइसेस। स्पीच सिंथेसाइजर्स जो मॉनिटर पे टेक्स्ट ही डिस्प्ले नहीं करता बल्कि आपको पढ़ के भी सुनाता है कि वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो स्पीच सिंथेसाइजर्स उसके लिए यूज़ होता है। देन ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड स्कैनर, दीज आर ऑल्सो आउटपुट डिवाइसेस। ऑप्टिकल मार्क रीडर जैसे कई बार पेपर्स होते हैं आपके पास, कई एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जिसमें कि हम लोग पेन से वो करते हैं मार्किंग वगैरह करते हैं, तो उसको रीड करने OMR शीट होती हैं वो, तो उनको रीड करने के लिए OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जैसे ये है, ये डिवाइस यूज़ होता है। देन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सो मशीन प्रिंटेड ट्रैक्टर जो करेक्टर्स हैं उनको रीड करने के लिए ऑप्टिकल करेक्टर रीडर यूज़ होता है, जैसे कि ये डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट है बारकोड स्कैनर, तो बारकोड्स है जैसे उनको स्कैन करने के लिए, उनको रीड करने के लिए बारकोड स्कैनर, बारकोड रीडर, इस तरह से मशीन होती है जो कि यूज़ होती है एज आउटपुट डिवाइस। सो इनपुट डिवाइसेज हो गए, आउटपुट डिवाइसेज हो गए। नेक्स्ट जो हार्डवेयर कंपोनेंट है दैट इज CPU। CPU दिखने में आपका ऐसा स्क्वेयर शेप का होता है, इसमें बहुत सारी पिन्स होती हैं, तो अलग अलग पिन्स के प्रोसेसर्स होते हैं और इंटेल के प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, पेंटियम प्रोसेसर्स। तो CPU ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, CPU के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है ये, एंड हार्ट ऑफ द जो कंप्यूटर है वो CPU है, यही सारा काम करता है, क्योंकि CPU के अंदर ही हमारे पास ALU, CU एंड मेमोरी यूनिट होती हैं, ठीक है। और ये जो अब ALU, CU एंड मेमोरी यूनिट क्या होती हैं, तो ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो करते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट एज ए सुपरवाइजर वर्क करती है, वही देखती है कि ओवरऑल कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं कौन क्या काम करेगा, किस सीक्वेंस में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो ये सारा काम जो करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंट्रोल यूनिट की होती है, एंड इट इज़ मैनेजर ऑफ ऑल ऑपरेशंस। इसके बाद ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए काम आती है। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, ठीक है, एंड लॉजिकल ऑपरेशंस भी इसके अलावा ये परफॉर्म करती है। नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट, तो जैसा कि मेमोरी किस लिए यूज होती है, मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड इन्फॉर्मेशन विद इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने स्टोर करनी है वो मेमोरी यूनिट की हेल्प से करनी होती है। सो मेमोरी भी अब कुछ तो मैंने कहा कि CPU के साथ ही हमारे पास कुछ डाटा, कुछ अमाउंट ऑफ डाटा तो हम लोग CPU के साथ ही अटैच
हमारे जो मेमोरी होती है उसमें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं वो कुछ बिट के ही होते हैं, देन हमारे पास कैशे मेमोरी होती है जो रजिस्टर से ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकती है, इसके अलावा हमारे पास बाहर से अलग से मेमोरी भी होती है जो कि उसमें भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेमोरी होती है, उसमें से कुछ फिक्स डाटा स्टोरेज होती है, कुछ रिमूवेबल भी होती है, कुछ को हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये है टोटल जो मेमोरी है, मेमोरी को हम टोटल तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी हमारी जनरली सीपीयू के साथ ही होती है, ठीक है, और कैशे मेमोरी इज़ वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होती है ये, मतलब जो इसमें डाटा रखा जाएगा उसको सर्च करना, सर्च बहुत कम टाइम में वो डाटा सर्च हो सकता है, लेकिन इसमें अमाउंट ऑफ जो डाटा स्टोर कर सकते हैं वो कम होता है, तो रजिस्टर से ज़्यादा होता है, बाकी इन सबसे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी से कम डाटा हम कैशे। यस मैम, प्रेजेंटिंग स्क्रीन नहीं दिख रही है। आई थिंक ये शो होने चाहिए बिकॉज़ यहां पे तो मुझे ये दिखा रहा है शेयरिंग अ विंडो। यस मैम, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, किसी को भी नहीं दिख रही, स्टार्टिंग से नहीं दिख रही, स्टार्टिंग से मैं दोबारा मैम दिख रही है, मैम क्लिक कर लो, क्लिक कर लो, मैं दोबारा से एक बार शेयर करके देख लेती हूं इसको, अगर नहीं दिख रही बस यहाँ पे इतना लिखा है यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन एंड स्टॉप शेयरिंग। एक पिन का ऑप्शन आ रहा होगा राइट कॉर्नर पे टॉप पे। अरे नहीं नहीं नहीं, अब देखिए, यस मैम दिख गई, अब दिख गई, अब दिख रही है मैम, कोई भी विजिबल नहीं हुई थी, अब दिख, अब तो दिखनी हुई है। नहीं मैम कोई विजिबल नहीं हुआ, हमें लगा से बोल रहे हो आप। नहीं नहीं बीपीटीज तो, चलो मैं एक बार यहां से आगे करते हैं फिर दिखा देंगे पीछे दोबारा से रिवाइज के टाइम। ओके मैम, तो मेमोरी जो है ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैशे मेमोरी होती है हमारे पास। सो कैशे मेमोरी के बारे में मैंने बताया है कि ये जो है सीपीयू के साथ ही होती है और इसका जो साइज़ है वो कम होता है, मतलब कम डाटा स्टोर कर सकते हैं, बट ये बहुत कॉस्टली होती है, ये एक रीज़न होता है, बट फास्ट बहुत होती है। तो उसके बाद हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम आते हैं। रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें रीड राइट दोनों हम काम कर सकते हैं। वोलेटाइल का मतलब ये है कि जब आपका सिस्टम बंद होता है तो डाटा भी रैम में स्टोर किया हुआ डाटा जो है वो उड़ जाता है। तो रैम हमारे पास स्टैटिक एंड डायनेमिक दो रैम होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे हम सिर्फ वही डाटा स्टोर करके रख सकते हैं जो हम उसको सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, उसमें हम राइट नहीं कर सकते हैं। एंड रोम अगेन हमारे पास पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, अलग अलग टाइप का रोम होता है। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें प्रोग्रामिंग की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद ये इसको अगर डाटा को हमने इरेज करना हो तो अलग अलग तरीके से इरेज भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रिकली। एक तो हमारा इलेक्ट्रिकली होता है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम होता है हमारे पास, ठीक है। एंड नेक्स्ट जैसे सेकेंडरी है, सेकेंडरी, इसके बाद प्राइमरी मेमोरी हमारे पास होगी रैम एंड रोम। अगेन प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कैशे मेमोरी से थोड़ा स्लो होती है, मतलब इसमें डाटा अगर हमने स्टोर किया हुआ है तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा सर्च करने में एज़ कम्पेयर टू कैशे मेमोरी, बट हम प्राइमरी मेमोरी में कैशे मेमोरी से ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी की जो डाटा स्टोरेज की कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे, ये बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ की होती है और बहुत ज़्यादा डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें डाटा को अगेन सर्च करना उसमें बहुत टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल होते हैं हार्ड डिस्क, जो कि कंप्यूटर के जो कैबिनेट होते हैं उनमें साथ इंस्टॉल होती है, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडीज़, ये जो आपके पास पेन ड्राइव्स वगैरह हैं ये सारी की सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। फ्लॉपी डिस्क हो गई या आपके पास से पेन ड्राइव्स हो गई, ये तो ये सभी आपके सेकेंडरी मेमोरी में आएंगी। इसके बाद मेमोरी की यूनिट, मेमोरी यूनिट्स सबसे छोटा जो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट जो साइज़ होता है वो होता है बिट। बिट का मतलब होता है सिर्फ वन डाटा, वन बिट स्टोर करता है, आइदर ज़ीरो और वन। सो वन बिट का मीनिंग होता है वन ज़ीरो और वन वन, ठीक है। ओनली ज़ीरो एंड वन को हम लोग बिट में हेल्प से बताते हैं। उसके बाद जब एट बिट्स, ज़ीरो वन का अगर सीक्वेंस एट डिजिट से इकट्ठी हो जाएँ तो उसे बनती है वन बाइट। देन अगर हमारे पास टू रेस टू पावर टेन बाइट्स, यानी कि 1024 बाइट्स अगर इकट्ठी हो जाए उसे बनती है वन किलो बाइट। देन अगेन ये सिमिलरली आगे दिया हुआ है कि वन किलो बाइट अगर टू रेस्ट पर टेन किलो बाइट्स होती है तो उसको हम कहते हैं वन मेगा बाइट, टू रेस्ट पर टेन मेगा बाइट्स होते तो उसको कहते हैं वन गीगा बाइट, टू रेस्ट पर टेन गीगा बाइट हो तो उसे कहते हैं वन टेरा बाइट, एंड अगेन टू रेस्ट पर टेन टेरा बाइट हो तो वन पेटा बाइट, टू रेस्ट पर टेन पेटा बाइट होगी तो वन एक्सा बाइट, एंड सो ऑन, जेटा बाइट, योटा बाइट, बीटा बाइट एंड जीओ टू बाइट। इस तरह से हमारे पास ये मेमोरी की यूनिट्स होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास क्योंकि आपने सारा देख लिया है यहाँ पे, देखो सीपीयू का यहाँ से था,
इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर ऐसा होता है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और बीच में हमारा सीपीयू होता है, और इसके अलावा मेमोरी यूनिट भी हमारे पास होती है। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, कुछ मेमोरी इसके पास रजिस्टर्स के फॉर्म में होती है। देन हमने देखा कि इनपुट डिवाइसेज जो हैं वो इस तरह के होते हैं, इसमें सबकी पिक्चर्स है लगी हुई कि माउस कैसा दिखता है हमें, कीबोर्ड कैसा दिखता है, स्कैनर कैसा दिखता है, ठीक है। उसके अलावा जो ट्रैकर बॉल्स हैं वो हमारे पास, ये ट्रैक बॉल है, टच पैड कैसा होता है लैपटॉप में, लाइट पेन कैसा दिखता है, जॉयस्टिक्स कैसी होती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस की पिक्चर्स हमने यहाँ पे इसलिए शेयर की कि मॉनिटर इस तरह से होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर्स, स्पीकर्स एंड स्पीच सिंथेसाइजर्स की पिक इसमें नहीं थी। देन ऑप्टिकल ओएमआर, ओसीआर, बारकोड रीडर इस तरह से विजिबल होते हैं ये। सीपीयू हमारा इस तरह से, सीपीयू की पिक्चर जो एक्चुअली में होती है वो इस तरह से सीपीयू दिखता है। एंड उसके बाद हमारे पास जो मेमोरी का वो ये सब आपको दिखी गया है कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, क्या क्या टाइप्स होती हैं इनकी, एंड देन क्या क्या उनकी यूनिट्स होती हैं। तो कंप्यूटर के जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया कि इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, सीपीयू एंड मेमोरी यूनिट्स, क्या इनके मीनिंग हैं और किस तरह से ये विजिबल होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। नो, कंप्यूटर भी अब सिंपल एक टाइप का नहीं होता, कंप्यूटर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, स्मॉल साइज से लेकर बड़े बहुत साइज के हो सकते हैं, फंक्शनैलिटी भी उनके उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट होती है। लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये बड़ा कंप्यूटर होता है, इसका साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, वेरी पावरफुल कंप्यूटर है, इसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, कॉस्टली भी बहुत होता है। और जनरली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करती है, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होता है ये, ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ये, एंड इस तरह से ये दिखाई देता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। नाउ सुपर कंप्यूटर इज़ द फास्टेस्ट कंप्यूटर, दिस कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर इज़ द फास्टेस्ट कंप्यूटर एंड ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। और जो टिपिकल सुपर कंप्यूटर होता है ये फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम टाइम में कर लेता है, 10 ट्रिलियन इंडिविजुअल कैलकुलेशंस पर सेकेंड ये कर सकता है। और ये दोनों जो कंप्यूटर्स की पिक्स आपको दिखाई दे रही हैं, वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है समिट कंप्यूटर, तो वो ऊपर दिखाई दे रहा है, और जो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है दैट इज़ प्रत्यूष, तो वो यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। नेक्स्ट है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वैसे तो ये सिंगल पर्पज़ के लिए होता है, मतलब सिंगल पर्सन के यूज़ के लिए भी हो सकता है, 1 पर्सन एट अ टाइम इसको यूज़ कर सकता है, इंटेंडेड तो इसका इसीलिए था, मतलब इंटेंशन तो यही है कि एक पर्सन इसको यूज़ करे, बट अगर बहुत सारे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी काम करना है तो वर्क स्टेशन की हेल्प से काम किया जा सकता है। इनकी मल्टी स्क्रीन्स होती हैं, मोर देन वन स्क्रीन्स जो है के थ्रू, मतलब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के या लोकल एरिया नेटवर्क में अगर काम करना हो तो भी इन सिस्टम्स की हेल्प से काम किया जा सकता है। नेक्स्ट होते हैं पर्सनल कंप्यूटर, जो कि नॉर्मली हम सब लोगों को देखने को मिलते हैं, चाहे कॉलेज हो, कॉलेज में हर स्टूडेंट के लिए इस तरह का ये कंप्यूटर इशू किया जाता है, या फिर कोई पर्सन अपने घर पे यूज़ करना चाहे तो इस तरह से कंप्यूटर यूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। इसका जो साइज भी कम होता है और इसके जो मेमोरी और जो फीचर्स हैं सारे के सारे, मेमोरी, हार्ड डिस्क वो सब चीज़ें भी इसमें कम होती हैं, कम साइज़ की मेमोरी होती है, प्रोसेसर भी कम इतना फास्ट नहीं होता एज़ कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। एंड पर्सनल कंप्यूटर्स भी, इसमें भी कई तरह के कंप्यूटर आते हैं, लाइक जैसे डेस्कटॉप पीसी है, इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, इवन नोटबुक कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, हैंडहेल्ड एंड पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इस तरह से साइज़ के अकॉर्डिंगली आपके पास अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। एंड अप नाउ टैबलेट एंड स्मार्टफोन, जो टैबलेट्स हैं थोड़ा बहुत ही हैंड बिल्कुल हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट्स फ़ोन के साइज़ की भी होती हैं, फ़ोन से थोड़ा बड़ा साइज़ होता है इनका, एंड ये हमारे पास स्मार्टफोन, तो ये भी हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में ही आते हैं, और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर दी है इस फील्ड में। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अब हमने देख लिया कि कंप्यूटर जो है क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट आर द, एक मिनट दिव्या मैम प्लीज़ यहाँ पे लेक्चर ड्रॉप कर, तो कहीं और करो, यूट्यूब के थ्रू वहाँ पे जा रहा है ये। सो यूजेज ऑफ कंप्यूटर, नाउ व्हाट आर द यूजेज ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का यूज़ घर पे भी किया जा सकता है, एजुकेशन के फील्ड में भी किया जा सकता है, ऑफिसेज में भी किया जा सकता है, तो अलग अलग यूज़ क्या क्या हैं कंप्यूटर्स के। जैसे अगर हम पीसी की बात करें घर पे, तो घर पे हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, गेम्स खेलनी हो हमें घर से, हमें कोई ऑफिस का काम करना हो, वर्किंग करनी हो घर से, या घर से हमें बैंकिंग का कोई काम करना हो, या नेट से कनेक्ट करना हो, तो ये सारे काम हम लोग अपने घर पे रह के अपने पीसी पे कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे यूजेज ऑफ कंप्यूटर हैं एट होम। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स इन एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग दी जा सकती हैं, इट ऑफर्स ए लो कॉस्ट सॉल्यूशन टू ट्रेनिंग नीड्स वेयर यू नीड टू ट्रेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट। जैसे कि अभी इस टाइम पे हम लोग कर रहे हैं, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है और बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में हमें बताना है, तो वो हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग ही कर रहे हैं यहाँ पे भी। सो दीज, और
और अगर हम अलग से भी करना चाहें तो हम इसको जैसे सीडीज के थ्रू या डीवीडीज के थ्रू वैसे भी अलग से हम लोग अगर करें डिस्ट्रीब्यूट, तो बच्चा अपने अपनी जगह पे जाके जो है मतलब इसको देख के अपने आप ही ट्रेनिंग ले सकता है। इस तरह से भी मतलब कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर वो चीज़ें भी आती हैं। सो नेक्स्ट ऑफिस एप्लीकेशन, ऑफिस में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, किस किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं? ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम्स, जैसे कि असेंबली वगैरह करनी है ऑफिस में, तो मैनी कार फैक्ट्रीज आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ऑटोमेटेड नाउ एंड कार्स आर असेंबल्ड बाय कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स। दिस ऑटोमेशन इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन थ्रू आउट इंडस्ट्री। डिज़ाइन सिस्टम जैसे कैड कैम मैकेनिकल में होता है, कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कंप्यूटर एडिड डिज़ाइनिंग करते हैं या कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हैं। जो डिज़ाइनिंग जो होती है वो कंप्यूटर्स के थ्रू होती है, तो ऑफिस में इस तरह से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टॉक कंट्रोल, भाई आपके पास ये स्टॉक कंट्रोल है तो क्या क्या चीज़ें स्टॉक में हैं हमारे पास, स्टॉक को भी ऑटोमेशन, आजकल हर चीज़ का ऑटोमेशन हो रहा है, हर चीज़ हम लोग कंप्यूटर्स पर स्टोर करके रखते हैं कि हमारे स्टॉक में क्या क्या चीज़ें हैं, कोई ऑटोमेटिकली ऑर्डर रिप्लेसमेंट भी हो जाता है इससे, तो स्टॉक कंट्रोल भी हो रहा है इस तरह से। अकाउंट्स पेरोल, अब जो सैलरीज के अकाउंट्स के जो भी, या इवन बैंक्स का भी, बैंक्स में ही कह लो चाहे, बैंक्स में भी अकाउंट्स का जो सिस्टम है वो कैसे मेंटेन हो रहा है यूजिंग आईटी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कम्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये बहुत बेसिक से और सबको पता होना चाहिए इसके बारे में कि कंप्यूटर की जो जनरेशन, शुरू में कंप्यूटर्स आए थे तो वहाँ से लेकर अब तक कितना चेंजेस हो चुके हैं इसमें। 1945 से 56 का जो टाइम पीरियड है इसको फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है कंप्यूटर का, और इसमें सबसे पहले हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स आई थी, वैक्यूम ट्यूब्स के बेसिस पे हमारे कंप्यूटर्स बने हुए थे। तो इसी की वजह से क्या था कि इनकी स्पीड भी बहुत कम थी, वर्सेटिलिटी भी थी, और वैक्यूम ट्यूब्स के यूज़ होने की वजह से वो टियर वियर जो होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। लेकिन इसके और साइज़ जो था कंप्यूटर का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा साइज़ था, कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। इसके बाद हमारे पास आगे सेकेंड जनरेशन जो 56 से 1956 to 1965 जो ये पीरियड है इसको सेकेंड जनरेशन कहा जाता है। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स का जो स्पेस है, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे कौन आ गए थे, ट्रांजिस्टर्स आ गए, तो साइज़ थोड़ा और कम हो गया, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आ गई, जैसे कि सॉलिड स्टेट, इसमें हमारे पास मॉडर्न डे कंप्यूटर्स जो हैं इनमें वो सब कंपोनेंट्स थे तब भी, लाइक प्रिंटर्स अटैच हो सकते थे, टेप स्टोरेज, डिस्क स्टोरेज, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट यहाँ पे आ गया। थर्ड जनरेशन 1965 to 1971 चली, यहाँ पे ICs का यूज़ होना शुरू हो गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो कि सिलिकॉन के बने होते थे, तो इससे भी जो आपका साइज़ कंप्यूटर का हो गया बहुत ही स्मॉल हो गया पहले के मुकाबले ICs के आने के बाद। फोर्थ जनरेशन 71 से प्रेजेंट तक अगर कहें तो फोर्थ जनरेशन में ही आ जाता है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ होना शुरू हो गया, अगेन जो प्रोसेसर्स का साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल हो चुका है इसमें, ठीक है, और कंप्यूटर्स का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गया। पर्सनल जो है, पर्सनल कंप्यूटर्स यहाँ पे 81 में जैसे आ गए थे, तो अब ये कंप्यूटर हमारे होम, ऑफिस और स्कूल्स में यूज़ होने लग गए बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज़, तो डेस्कटॉप से लैपटॉप कंप्यूटर्स पे भी इवन वर्किंग जैसे हम लोग करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स पे भी आ गए। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन जो कि फ्यूचर जनरेशन है, इसमें AIs के बारे में है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर होंगे हमारे पास, क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे, तो वो हमारी फिफ्थ जनरेशन है जो कि आने वाले टाइम में, अभी आने वाले फ्यूचर की जो जनरेशन है कंप्यूटर की उसको फिफ्थ जनरेशन कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद है नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा देखते हैं कि नेटवर्किंग जो है, सबसे पहले तो व्हाट इज नेटवर्क, तो नेटवर्क दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को जब कनेक्ट कर देते हैं तो उसको ही कहते हैं हम लोग नेटवर्क, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क में स्पेशली कंप्यूटर्स ही कनेक्ट होते हैं, तो ये दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब कनेक्ट होंगे तो उसको नेटवर्क कहेंगे, जो किस लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। अब ना वाई नेटवर्किंग, नेटवर्किंग अगेन पर्पस क्या है, वही कि हम इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, इससे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है वो भी शेयर कर सकते हैं, एक ही प्रिंटर है उसे 10 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो 10 के 10 कंप्यूटर्स एक प्रिंटर के थ्रू अपने कमांड जो है वो मतलब प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट, इंटरनेट बेस्ड, फॉर एग्जांपल इंटरनेट बेस्ड, सो एवरीवन कैन एक्सेस द सेम एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट एप्लीकेशन फ्रॉम देयर पीसीज, सो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट के लिए भी हम नेटवर्किंग को यूज़ कर सकते हैं।
अब एक एक कितने तरह के नेटवर्क्स होते हैं, अभी अलग अलग टाइप ऑफ नेटवर्क्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हम किस तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं इसको. ट्रांसमिशन मीडिया के बेस पे अगर करें तो वायर्ड भी हो सकते हैं या वायरलेस भी हो सकते हैं. वायर्ड नेटवर्क हो तो इसमें हम कौन कौन से केबल्स को यूज़ कर सकते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स या फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ठीक है. वायरलेस जिसमें केबल्स नहीं यूज़ होती हैं, इवन ये सैटेलाइट्स का यूज़ होता है. देन बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज, नेटवर्क साइज पे अगर हम देखें तो लैन वैन मैन, तो लैन होता है फिर मैन फिर वैन, इस तरह से नेटवर्क साइज के बेसिस पे हमारे पास नेटवर्क ये है कैटेगराइजेशन ऑफ नेटवर्क्स. नेक्स्ट है मैनेजमेंट मेथड पे कि हम पीयर टू पीयर कर रहे हैं क्लाइंट सर्वर कर रहे हैं. पीयर टू पीयर का मतलब होता है जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, पीयर टू पीयर. क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि एक सर्वर होता है, उसके बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है. और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मतलब एक ही प्लेस पे हों, अलग अलग जगह पर भी हो सकते हैं क्लाइंट एंड सर्वर. तो बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, कनेक्टिविटी किस तरह से, किस शेप, किस तरह से हमने उनकी उनको कनेक्ट किस तरह से किया हुआ है, तो उसके उसी को हम टोपोलॉजी कहते हैं. टोपोलॉजी के बेसिस पे अगर हम देखें नेटवर्किंग, तो बस, स्टार, रिंग, इवन इसके अलावा मैश भी होती है हमारे पास. तो अलग अलग तरह की हमारी यहाँ पे टोपोलॉजीज होती हैं. टोपोलॉजी के बेस पे नेटवर्क हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं. नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडिया. तो जैसे अभी ट्रांसमिशन मीडिया की हमने बात की यहाँ पे कि वायर्ड होता है वायरलेस होता है. सो इसमें भी दो हैं, तो एक वायर गाइडेड है एक अनगाइडेड है. गाइडेड में हमारा जो वायर्ड वाला है वो गाइडेड एंड अनगाइडेड दो में डिवाइडेड होता है. गाइडेड में हम वायर्स और केबल्स का यूज़ करते हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल्स का यूज़ करेंगे. ट्विस्टेड पेयर केबल ही हमारे पास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल भी होती हैं और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी होती हैं. कोएक्सियल केबल्स होती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, ठीक है. और अनगाइडेड में हमारे पास ये जैसे आ गया वायरलेस ट्रांसमिशन, रेडियो, माइक्रोवेव, इन्फ्रारेड, साउंड एंड सोनार, ये सारे आ गए आपके अनगाइडेड मीडिया में. अब नेक्स्ट है इंटरनेट. सो इंटरनेट, व्हाट इज़ इंटरनेट? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कंप्यूटर नेटवर्क है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट. इसमें वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं आपस में, और इसे 1960s में क्रिएट हुआ था. और इंटरनेट का मेन पर्पज़ ये होता है कि डाटा को ट्रांसमिट करना. सो यूसेज भी क्या क्या है इंटरनेट के, ये बहुत सारे यूसेज हैं इंटरनेट के. अब आजकल तो हर कोई इंटरनेट यूज़ करता है. सो इन्फॉर्मेशन को हमने एक्सचेंज करना है या इन्फॉर्मेशन को रिसर्च करनी है. ई कॉमर्स, हमें ऑनलाइन शॉपिंग जो भी हम कुछ करते हैं ई कॉमर्स में आता है. बैंकिंग करनी है, ऑनलाइन बैंकिंग करनी है, या वैसे भी बैंक में भी जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं उनमें भी वो आजकल तो हर चीज़ के लिए इंटरनेट का यूज़ होता है. स्पेशली ऑनलाइन बैंकिंग में इंटरनेट का यूज़ होता है. एंटरटेनमेंट, मूवीज़ देख सकते हो आप लोग ऑनलाइन, या आजकल तो ऑनलाइन सीरियल्स या कुछ भी आप ऑनलाइन अपना न्यूज़ देख सकते हो. तो एंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं. एजुकेशन के लिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि आईटी का यूज़ एजुकेशन में हम लोग कैसे कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, तो इन सब चीज़ों में भी हमारे पास इंटरनेट का यूज़ होता है. गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग्स, इंटरनेट सर्विसेज, इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है. नाउ नेक्स्ट इज़ इंट्रानेट. सो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट. इंट्रानेट जो होता है बेसिकली एक विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ होता है, वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड नहीं होता है. इस तरह का नेटवर्क जब हम बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इंट्रानेट. सो इंटरनेट इज़ इंटरनल नेटवर्क दैट यूजेज इंटरनेट टेक्नोलॉजीज बट स्मॉल वर्जन ऑफ इंटरनेट दैट एग्जिस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ओनली विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही एग्जिस्ट करता है. और यूजेज क्या क्या है इंटरनेट के, इसे कंपनी की इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होती है सभी एम्प्लॉयज़ को, फैसिलिटेट वर्किंग इन ग्रुप्स. एक्सेस, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एम्प्लॉयज़ नीड टू बी ऑनलाइन एंड टू लेट द एम्प्लॉयज एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड. एम्प्लॉय विल बी गिवन द इंटरनेट एड्रेस, यूजर नेम एंड पासवर्ड, बट स्टिल वो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और कहीं से भी वर्ल्ड में किसी भी जगह से उसको यूज़ कर सकते हैं. अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट होगा वो उसको एक्सेस कर सकते हैं. इंटरनेट में और इंटरनेट में क्या डिफरेंस हुआ फिर? जो इंटरनेट है वो तो ग्लोबल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और किसी से भी इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं एनीवेयर एंड एनी टाइम. जबकि इंटरनेट की अगर हम बात करें तो ये इंटरनल नेटवर्क है जो एक्सेसिबल होता है सिर्फ किससे, जो ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल्स होंगे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज एक्स्ट्रानेट. सो एक्स्ट्रानेट इज अगेन एक प्राइवेट नेटवर्क है. इसमें भी इंटरनेट की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन यूज़ होता है, लेकिन ये विद मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग अपने कुछ स्पेसिफिक जो ऑथोराइज्ड आउटसाइडर्स हैं उनके साथ जब कम्युनिकेट करना चाहें तो दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रानेट.
ये सिक्योरली शेयर करने के लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है और ऑथोराइज पार्टीज है, सिर्फ उन्हीं के साथ ही वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को सिक्योरली शेयर जब करना चाहें तो उसके लिए एक्स्ट्रा नेट को डिज़ाइन किया जाता है। सो इंटरनेट और एक्सट्रानेट में भी डिफरेंस है। इंटरनेट में तो हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी को भी डाटा भेज सकते हैं, जबकि एक्स्ट्रानेट जो होता है उसमें सिर्फ जो कुछ हमारी ऑथोराइज पार्टीज़ हैं उन्हीं से ही डाटा शेयर करना होता है। सो इंटरनेट जो है इसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, एक्स्ट्रानेट में इंटरनेट एंड इंट्रानेट दोनों टेक्नोलॉजीज का यूज़ होता है। इंटरनेट हर एक को सर्व करता है जबकि एक्स्ट्रानेट सिर्फ एक्सटेंडेड एंटरप्राइज को ही सर्व करेगा, इंक्लूडिंग डिफाइंड सेट्स ऑफ कस्टमर्स और सप्लाइज और अदर पार्टनर्स। सो साइज़ के बेस पे हम लोगों ने कहा था कि नेटवर्क के जो कैटेगरी से कौन कौन सी होती हैं, लैन, मैन, वैन। तो लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें हमें ये स्मॉल एरिया में ही होता है, एक विद इन रूम में भी इवन ये हो सकता है। तो स्मॉल नेटवर्क होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, विद इन किलोमीटर्स ही इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक कमरे में होगा, एक फ्लोर पर हो सकता है, एक बिल्डिंग में हो सकता है। इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी लिमिटेड होते हैं, डिस्टेंस कवर्ड भी लिमिटेड होती है। जैसे कि कोई स्टूडेंट कंप्यूटर रूम है उसमें अगर आपको अगर यूज़ करना है तो उसके लिए हम लैन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैन। तो वैन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये लैन से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और इसे अगर दो या दो से ज़्यादा लैंस भी कनेक्ट करने हो अगर आपको, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, तो उनको अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप उसके लिए वैन का यूज़ कर सकते हो। वैन का यूज़ हमारे डिफरेंट टाउन्स में, स्टेट्स में, कंट्रीज़ में बैठे हुए अलग अलग लोग हैं तो आपस में कनेक्ट करना चाहें तो वैन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि अपने कैंपस है, इंस्टीट्यूट का कैंपस है, उसका जो नेटवर्क होगा वो भी वैन में आ सकता है। लैन तो क्या होगा, सिंपल एक लैब का नेटवर्क, और पूरे कैंपस का अगर नेटवर्क हम कहें तो वो वैन में आएगा। या ये भी हो सकता है कि आपका एक कोई ग्रुप है वो अलग अलग सिटीज़ पे लोकेटेड है तो वहाँ पर भी वैन का यूज़ होता है। लाइक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, ये सिटीज़ में ही यूज़ होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये लैन और वैन के बीच का नेटवर्क होता है। साइज़ का लैन से तो बड़ा होता है बट वैन से छोटा होता है, और ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में इसको हम यूज़ करते हैं। डैट इंक्लूड सेवरल बिल्डिंग्स और इवन दी एंटायर सिटी, पूरी सिटी के जितने नेटवर्क हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, बहुत सारी बिल्डिंग्स अगर हैं उनको कनेक्ट करने के लिए वैन का यूज़ हो सकता है। तो ये क्लियर है कि लैन से बड़ा होता है बट वैन से छोटा होता है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब जो नेटवर्किंग करनी है हमने उसके लिए डिवाइसेस का यूज़ होता है। अभी कौन कौन से डिवाइसेस नेटवर्किंग करने के लिए यूज़ होते हैं, तो ये डिवाइसेस हैं, जैसे कि हब है, रिपीटर, गेटवे, ब्रिज, राउटर, स्विच। अब ये हैं क्या चीज़ें, इनके बारे में भी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले रिपीटर, रिपीटर रिपीट करता है बेसिकली। ये वीक सिग्नल एक्चुअली क्या, जब सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसकी कुछ रेंज होती है, उस रेंज के बाद वो वीक पड़ना शुरू हो जाता है। वो बिल्कुल टूट ना जाए उससे पहले ही वहाँ पे रिपीटर लगा दिया जाता है ताकि वो सिग्नल की जो लेंथ है वो एक्सटेंड हो जाए, तो इसके लिए रिपीटर का यूज़ किया जाता है। ये था हमारा रिपीटर। नेक्स्ट इज़ हब। तो हब क्या है, मल्टी पोर्ट रिपीटर है। इसमें मल्टीपल जो वायर्स आ रही हैं अलग अलग जगह से वो कनेक्ट हो सकती हैं, विच इज़ ट्रांसमिटेड ओवर द सेम नेटवर्क, ठीक है। गेटवे, गेटवे जैसे लग रहा है आपको कि दो नेटवर्क हैं, ठीक है, अलग अलग दो नेटवर्क्स हैं उनको अगर कनेक्ट करना है आपने तो उसके लिए गेटवे का यूज़ होता है। ये भी ध्यान देना कि वो दोनों जो नेटवर्क्स होंगे वो अलग अलग नेटवर्किंग मॉडल पे बने होते हैं, एक डिफरेंट मॉडल बना दूसरा डिफरेंट मॉडल में बना हो सकता है। ब्रिज, ब्रिज भी एक रिपीटर होता है विद एड ऑन फंक्शनैलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट, लेकिन ये कंटेंट्स को फिल्टर करके फिर आगे पास करता है बाई रीडिंग द मशीन एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स को डेस्टिनेशन का एड्रेस देखेगा, उसके अकॉर्डिंगली फिल्टर करेगा कंटेंट्स को, और ये बेसिकली एक रिपीटर होता है। राउटर एक डिवाइस है, ये भी राउट करता है डाटा पैकेट्स को, कि अब मान लो कि हमें डाटा इधर से उधर भेजना है तो जो भेज रहा है वो सोर्स है और जहाँ पे जाना है वो डेस्टिनेशन है। तो लेकिन सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में और भी बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं बीच में जो हो सकते हैं, तो लेकिन उसको कौन से रास्ते से भेजना है ताकि वो वहाँ पे सेफली पहुँच जाए, ठीक है, और कम टाइम में पहुँचे, तो ये काम जो होता है राउटर का होता है। नेक्स्ट इज स्विच। तो स्विच इज़ ए मल्टीपोर्ट ब्रिज विद ए बफर एंड ए डिज़ाइन दैट कैन बूस्ट इट्स एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। सो इसमें बफर भी होता है और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग स्विचेस का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं, इम्प्लाई लेस ट्रैफिक। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर्स। सो हार्डवेयर को हम लोग कर चुके हैं कि हार्डवेयर कंपोनेंट सीपीयू के क्या, कंप्यूटर है उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने देखा कि कंप्यूटर के यूज़ क्या क्या होते हैं हमारे घर पे ऑफिसेज में, एंड कंप्यूटर जो है उसका
नेटवर्किंग में कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है, नेटवर्किंग नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं. इसके बाद हम हार्डवेयर के बाद जो अल्टरनेट सेकेंड टर्म होती है कंप्यूटर से रिलेटेड, दैट इज़ सॉफ्टवेयर. तो जैसे हार्डवेयर क्या था, हार्डवेयर इज़ टेंजिबल थिंग विच कैन बी टच्ड, बट सॉफ्टवेयर इज़ सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ें जिसको टच नहीं करके देख सकते हैं हम लोग, ये इनटेंजिबल होती है. और सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं, इसमें प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इज़ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. ठीक है, तो प्रोग्राम भी हमने शुरू में किया था, प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो सॉफ्टवेयर भी लेकिन हमारे दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकेंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो प्रोग्राम है जो कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने जो कंप्यूटर पे हम बैठे हैं हमने उसको इंस्टॉल कर लिया और हमने यूज़ करना उसको शुरू कर दिया. ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ये सारा एमएस ऑफिस में आता है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल, डाटाबेसेस, ये डाटाबेसेस हमारे पास अलग से भी होता है और एमएस एक्सेस, एमएस ऑफिस में भी आता है कि एमएस एक्सेस. तो ये वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, ये सारा एमएस ऑफिस के अंदर ही आ जाता है. हमारे पास एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो डाटाबेसेस हमारे पास अलग से भी होते हैं लाइक ओरेकल. तो वर्ड के अंदर जैसे लोटस वर्ड प्रो, वर्ड परफेक्ट, ये अलग अलग तरह के भी वर्ड किस लिए यूज़ होते हैं, बेसिकली हमें जब कुछ राइट करना हो, कुछ टाइप करना होता है, उसको सेव करना है, फाइल बनानी है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं. ठीक है, स्प्रेडशीट्स, एक्सेल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, हमें टेबल्स बनाने हैं, बच्चों के मार्क्स लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद मार्क्स, रिजल्ट्स, ये सब चीज़ें हम लोग जो करते हैं वो मतलब टेबल्स के ऊपर जब हमें काम ज़्यादा करना होता है तो हम एक्सेल को यूज़ करते हैं. उसके बाद डाटाबेस, जब हमें और भी बहुत सारा डाटाबेस मेंटेन करना हो, डाटाबेस कलेक्शन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना हो तो हम एक्सेस को यूज़ करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट के जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होते हैं, और इसके अलावा लोटस अप्रोच, ये अलग भी हमारे पास. पेरोल, इसके लिए शायद सॉफ्टवेयर है. प्रेजेंटेशन टूल्स के लिए से पावर पॉइंट, जो मैंने पीपीटी प्रेजेंट करी है आपको, जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ दैट इज़ मेड ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. इसके अलावा लोटस फ्रीलांस पे भी हो सकता है. डेस्कटॉप पब्लिशिंग में अबोर्ड फोटोशॉप, अडोब फोटोशॉप है ये. मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में माइक्रोसॉफ्ट्स एनकार्टा बेस्ड एनसाइक्लोपीडियाज, तो अलग अलग बहुत सारी एप्लीकेशन मल्टीमीडिया की भी हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं. नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये स्पेशल प्रोग्राम होता है. ठीक है, और ये तो मतलब जैसे जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होगा तभी के तभी ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा. इसको जैसे इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंप्यूटर पे, मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं. सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ जो आजकल होता है विंडोज़ या फिर लिनक्स यूज़ होता है. हम लोग जैसे अपने कॉलेज में मोस्टली विंडोज़ को यूज़ करते हैं, तो विंडोज़ की भी अलग अलग, पहले एक्सपी तब तो विंडो 10 आ गया हमारे पास, विंडो 10 हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं. उससे पहले विस्टा 2007, ये पुराने वर्जनस हैं जो पहले विंडोज़ के होते थे. और लिनक्स, यूनिक्स और भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं. तो दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. नेक्स्ट आ गया कंप्यूटर लैंग्वेजेस. अब क्या होता है कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ जीरो और वन की भाषा को ही समझता है, ओनली जीरो एंड वन की लैंग्वेज को समझता है. लेकिन हम लोग जो बात करते हैं उसको समझाने के लिए, जो हम लिख रहे हैं वो कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड कर पाए, उसके लिए हम क्या किया था, जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो जिन लैंग्वेजेस में लिखे जाएंगे वो लैंग्वेज, उन लैंग्वेजेस को ही हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस. सो लैंग्वेजेस जो होती हैं वो तीन कैटेगरी की होती हैं. सबसे पहले आती है लो लेवल लैंग्वेज, देन हाई लेवल लैंग्वेज, डाटाबेस लैंग्वेजेस. लो लेवल लैंग्वेजेस में फर्दर आपके पास मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं. तो लो लेवल लैंग्वेजेस नाम से ही लग रहा है, दीज आर मशीन डिपेंडेंट. ये हर मशीन की अलग अलग हो सकती है, मशीन के ऊपर डिपेंड करता है ये कौन सी लैंग्वेज उसमें यूज़ की जा रही है. एंड मशीन लैंग्वेज में जीरो और वन की लैंग्वेज होती है ये. जैसे अगर हमें कुछ भी ऐड करना है तो हम यहाँ पे मान लो कि एक नंबर है उसको भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे, दूसरे नंबर को भी इस फॉर्म में लिखेंगे, प्लस को भी प्लस के फॉर्म में लिखेंगे. तो मतलब हर एक चीज़ जो है जीरो एंड वन की फॉर्म में ही लिखी जाती है. तो 42774 जो लिखा हुआ है ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, वो भी स्ट्रिंग, इनकी स्ट्रिंग्स बना के फिर हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है. अदरवाइज जो कुछ इस मशीन लैंग्वेज में होता है जीरो एंड वन की फॉर्म में हम लोग लिखते हैं. ठीक है, उसके बाद होती है अभी जीरो. मशीन लैंग्वेज का बेनिफिट क्या होता है कि मशीन इसको ईजिली समझ लेती है, बहुत कम टाइम में जो भी हमें काम करना है उसकी आउटपुट हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी, बहुत जल्दी ये एग्जीक्यूट होंगी इंस्ट्रक्शंस जो भी मशीन लैंग्वेजेस में लिखी जाएंगी. नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेजेस, ये भी मशीन डिपेंडेंट होते हैं हालांकि, लेकिन यहाँ पे हम कुछ सिनोनिम्स को निमोनिक्स को यूज़ करते हैं. और जो निमोनिक्स होते हैं, यानी निमोनिक्स क्या होते हैं, कुछ सिम्बल्स होते हैं, इंग्लिश लाइक एब्रीविएशन होते हैं. लाइक अगर हमें एडिशन करना है तो हम ऐड सिम्बल को यूज़ करेंगे, कुछ मेमोरी में स्टोर करना है तो स्टोर को यूज़ करेंगे,
लोड करना है तो लोड रजिस्टर्स में कुछ डाटा डालना है तो लोड को यूज़ करेंगे. तो इस तरह से हर एक काम के लिए हमारे पास ऑपरेशन जो भी हमने परफॉर्म करने हैं उसके लिए हमारे पास निमोनिक्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम असेंबली लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं. तो अगेन मशीन लैंग्वेजेस एग्जीक्यूट बहुत जल्दी होती हैं, असेंबली लैंग्वेज इनके कंपैरिजन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे बिकॉज यहाँ पर भी हमें एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट ट्रांसलेटर इज कॉल्ड असेंबलर. असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा है उसको फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो जैसे ना इंग्लिश में हम जैसे लिखते हैं तो उस तरह से ही हम लोग उसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है. लेकिन हालांकि कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस तो कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ कमांड्स तो उसमें भी होती हैं जो हमें लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली ही लिखनी होती हैं. हर लैंग्वेज का अपना अपना सिंटेक्स होता है जो हमें फॉलो करना होता है, ठीक है. और यहाँ पर भी हमें एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है. यहाँ भी जो हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंपाइलर. असेंबली टू मशीन लैंग्वेज के लिए हम यूज़ करते हैं असेंबलर, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए यूज़ करना होता है हमें कंपाइलर. तो कंपाइलर उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे. लाइक हमने लिखा वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू. सो वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू दीज आर इंग्लिश टर्म्स ना, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की टर्म्स हैं. मशीन कंप्यूटर नहीं समझ सकता इसको डायरेक्टली ऐसे कि ये क्या है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, अभी सी, सी प्लस प्लस, जावा यूज़ होती हैं ज़्यादातर. पहले हमारे पास जो यूज़ होती थी फोर्ट्रान, पास्कल, कोबोल, ये हमारी थोड़ी पुरानी लैंग्वेजेस हैं जो यूज़ होती थी. जैसे अब यहाँ पे अगर यूज़ करना हो जैसे ये लिखो या फिर ग्रो स्पेस इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारी हाई लैंग्वेज जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम लोग इस तरह से लिखते हैं. नेक्स्ट आती है डाटाबेस लैंग्वेजेस. तो डाटाबेस लैंग्वेजेस डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूज़ होती हैं. जो भी हमने रिकॉर्ड्स अगर मेंटेन करने तो उसके लिए डाटाबेस लैंग्वेजेस का यूज़ करेंगे हम लोग. जैसे ओरेकल इन सब में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आजकल ओरेकल. इसके अलावा डीबेस 3, 4, फोक्स प्रो, ये भी यूज़ हो सकती है. डाटाबेस लैंग्वेजेस आर इजी टू यूज़, मच सिंपलर, लर्निंग विद लेस टाइम. सो अगर हमें पहले एक्चुअली क्या होता है डाटाबेस मेंटेन किया जाता था फाइल्स के सिस्टम से, एक ही रिकॉर्ड जगह जगह हर डिपार्टमेंट में मेंटेन होता था. लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि डाटाबेस को यूज़ करने से ये जो रिडंडेंसी है ये रिड्यूस हो जाती है. एक ही चीज़ को हमें हर जगह बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक जगह मेंटेन हम लोग कर सकते हैं यूजिंग डाटाबेस. इन डाटाबेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी यूज़ डाटाबेस लैंग्वेजेस. तो डाटाबेस लैंग्वेजेस में हम क्या क्या कर सकते हैं, डाटाबेस हम डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डाटा रिकॉर्ड्स को एंटर कर सकते हैं, डाटा रिकॉर्ड्स को एडिट भी कर सकते हैं, नए रिकॉर्ड्स ऐड करने हो तो वो नए रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं, पुराने रिकॉर्ड डिलीट करने हो तो डिलीट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको सर्च कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं जो रिकॉर्ड पहले से प्रेजेंट हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, एंड सॉर्टिंग करना चाहें तो सॉर्टिंग भी हम लोग कर सकते हैं. सो किसी को अभी तक जो करवाया था इनमें कुछ भी पूछना हो अगर तो पूछ सकते हो आप. स्टार्टिंग में जो आपको पीपीटीज नहीं दिखाई देंगी उसमें ऐसे कुछ था नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू सब हो ही चुका है. सो स्टूडेंट्स अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है. मैम लैन था ना, लैन लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क. सो नेटवर्क है बेसिकली सबसे पहले तो ये सबसे छोटे साइज का नेटवर्क जो होता है दैट इज कॉल्ड लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. और जनरली आपके पास अगर हमने दो, सबसे पहले तो नेटवर्क बनता ही कैसे है, जब तो जब दो 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 डिवाइस कनेक्ट होंगे, दो से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होंगे तब एक नेटवर्क बनता है. तो मान लो अगर अपने लैब में ही या अपने घर पे ही दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस की हेल्प से, और एक नेटवर्क बना देते हो, तो वो लैन में ही आएगा. जैसे आपकी एक लैब है, एक लैब में जितने कंप्यूटर, मान लो 30 कंप्यूटर्स हैं, 30 के 30 कंप्यूटर्स को आप क्या करते हो, नेटवर्किंग डिवाइसेस केबल्स की हद से कनेक्ट कर देते हो, एक नेटवर्क बना देते हो उनका, तो वो भी लैन में आएगा. लैन का जो साइज़ होता है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी इसमें लिमिटेड होते हैं, एंड जिस रेंज में, जिस जगह, जितने जगह पे आप उसको रख सकते हो वो भी लिमिटेड होता है. अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर तक के एरिया में आप जो नेटवर्क बनाते हो वो लैन में आता है. हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? मैम आप इसकी पीडीएफ सेंड कर सकते हो? इसकी जो आपने ये प्रेजेंटेशन बनाई हुई है वो सेंड कर सकते हो आप? हाँ सेंड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं यहाँ पर तो आपको सेंड नहीं कर पाऊंगी, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे सेंड हो जाएगी, उस पे मैम सेंड कर देना आप. हाँ कर देंगे, कोई बात नहीं. ये वैसे भी आपका फर्स्ट ईयर के, ओके,
जो फर्स्ट ईयर के एफ सी पी पी एस सब्जेक्ट है इनका, इसमें भी जो बेसिक्स हैं ये सारे के सारे उसमें आएंगे, आपके सिलेबस में भी आएंगे। और ये वैसे यस भी क्या मैम, यस किसी भी मैम, ब्रांच का कोई भी स्टूडेंट हो तो ये सब बेसिक्स जो कंप्यूटर के बारे में, आईटी के बारे में, ये तो उसको अच्छे से पता होने ही चाहिए। स्टिल अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है मुझसे अभी। ओके मैम, ओके मैम। मैम ये फिफ्थ मैम, ये जनरेशन फिफ्थ कंप्यूटर्स जनरेशन कौन सकते कंप्यूटर हैं? सकते हैं? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वैसे अब फ्यूचर के लिए है, वैसे क्वांटम कंप्यूटिंग में काम लेकिन स्टार्ट हो चुका है। क्वांटम कंप्यूटर्स दीज आर कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। उसमें क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब क्या होगा कि जैसे हम लोग कैसे सीखते हैं, हम लोग अपना प्रीवियस जो एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे प्रीवियस जो फैक्ट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करके नई हमारी हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब मशीन भी क्या है, ये एनालिसिस अपने आप करेगी। और कुछ हद तक तो मशीन लर्निंग का जो कंसेप्ट आ रहे हैं ये इम्प्लीमेंट हम लोग आजकल कर रहे हैं, बट मशीन लर्निंग तो वैसे भी अभी हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स पे भी कर पा रहे हैं, बट इन फिफ्थ जनरेशन के लिए आपके पास क्वांटम कंप्यूटर्स का कंसेप्ट है। और कुछ कई जगह पे एक दो कंप्यूटर मतलब कुछ क्वांटम कंप्यूटर्स तो इवन डिज़ाइन भी हो चुके हैं। ठीक है, तो मेनली तो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आएगा फिफ्थ जनरेशन में। और ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो अपने आप से ही मतलब अपने बिहेवियर अपने आप ऑब्जर्व कर करके चीज़ों को, और फिर अपने आप से इंटेलिजेंस उन कंप्यूटर्स में होगी, कंप्यूटर्स विद इंटेलिजेंस। यही एंड कर दूं एक्सेल का, टाइम हो चुका है ना 1:05। चलो ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Thank you.